वेलकम टू माई क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है राइट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। हम बताएंगे कि ये सारी एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं कनेक्ट हुए हुए बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि एक ये किए मैंने 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हैं। बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, मैंने जस्ट ये लिए हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। तो कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 कॉन्स्टेंट है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 कॉन्स्टेंट है। तो ये कॉन्स्टेंट हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कॉन्स्टेंट कह देते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये है एक्स वाई जी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। तो इसमें वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी है और कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ये 3 जी के साथ है, वेरिएबल के साथ अकेला तो नहीं है जैसे यहाँ पर था। तो इसलिए इसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, जस्ट वेरिएबल्स हैं, समझ आया। और फिर हम बात करेंगे अब कॉन्स्टेंट्स की। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट आपको पता आप चल जाना चाहिए क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इज़ कॉन्स्टेंट, या लिख लें कॉन्स्टेंट इक्वल टू 4 या अकेला 4 लिख लें। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट की बात करें तो क्या है, -1 है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है हमारे पास, तो 0 है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। तो 0 लिखते हैं या 9 लिख दें, 9 कॉन्स्टेंट या 0। यहाँ पर कॉन्स्टेंट -8 है, समझ आ गया। तो कॉन्स्टेंट्स किसको कहते हैं, जब हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशंस होती हैं तो जो इस तरह वैल्यू होती है ना, नंबर होता है, उसको हम लोग अकेला जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कॉन्स्टेंट्स कह देते हैं। ये कॉन्स्टेंट है, इसमें -1 कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं, इसमें -8 है। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट इक्वल टू 4 लिख दें, चलिए लिख देते हैं, या डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट, या आप ये लिख दें कि -1 इज़ कॉन्स्टेंट, जैसे मर्जी लिखते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं, समझ आए। होप्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।